तो आज हम पढ़ेंगे कॉमिक्स जिसका नाम है मॉडर्न जासूस कुरकपांड। कुरकपांड ये कॉमेडी हीरो है और ये इसकी फर्स्ट कॉमिक्स है। तो पढ़ते हैं मॉडर्न जासूस कुरकपांड। नाम तो उसका अनोखेलाल था, लेकिन चूंकि वह अपने आप को विश्व प्रसिद्ध जासूस जेम्स बॉन्ड का चेला बताया करता था, इसलिए उसके सभी परिचित उसे कुरकबॉन्ड कहकर बुलाते थे। अनोखे लाल उर्फ कुरकबॉन्ड की जासूसी करने का बहुत शौक था, इसलिए वह हमेशा जासूसी करने के लिए नए नए तरीकों की खोज में लगा रहता था। आदमी अपनी विशाल कोठी के हिस्से में उसने बाकायदा जासूसी अनुसंधान केंद्र खोल रखा था, जिसे उसके माता पिता ने अजायब घर का नाम दे रखा था। अब ठीक है, यदि कोई भी मुजरिम एक बार यहाँ आ गया तो बच्चों बचकर नहीं जा पाएगा। अब यह खुशकिस्मती से कहिए या बदकिस्मती से कि अनोखे लाल के पिता धमाके सिंह पुलिस में हवलदार थे, किंतु वे अपने बेटे की बेतुकी जासूसी से बुरी तरह तंग आ चुके थे, क्योंकि वे उसे पढ़ा लिखा कर एक बड़ा अफसर बनाना चाहते थे। जबकि अनोखे लाल उर्फ क्रुकबोंड 10वीं कक्षा में अब तक 4 बार फेल हो चुका था और आज जबकि हवलदार धमाका सिंह के बेटे का 5वीं बार 10वीं का परीक्षा परिणाम आने वाला था, तो हनुमान बाबा से उसके पास होने की मनौती कर रहे थे। हे हनुमान बाबा, इस कमबख्त कुरुकबंड को 11वीं कक्षा में पहुंचा दे। मैं न केवल तेरे 100 रुपये का भोग लगाऊंगा, बल्कि तेरे आगे 1,000 दंड भी पे लूंगा। पहले 100 रुपये का प्रसाद बांटते थे, तभी डाकिया डाक लाया। आह, आ गया डाकिया, शायद अनोखे का रिजल्ट आया है। पहले डाक से आते थे रिजल्ट भी। उसने लपक कर दरवाजा खोला। मुबारक मुबारक हो धमाका सिंह जी, आपके सुपुत्र ने इस बार अपनी पंचवर्षीय योजना पूरी कर ली है। वाह, यानी वह पास हो गया। जी हाँ, आप लाइए, मेरा इनाम पूरे 10 रुपये ही लूंगा। हे हनुमान बाबा, तेरा लाख लाख धन्यवाद। धमाका सिंह ने तुरंत अंटी से 1 रुपये निकाले। अरे भाई, 10 क्या, ये लो पूरे 20 रुपये, आज मैं बहुत खुश हूँ। धन्यवाद हवलदार साहब, अच्छा तो मैं चलता हूँ, और कहीं भी डाक बांटनी है। अरे भाई, सुनती हो, कहाँ तुम? अजी अभी आई। दुखले पल अनोखे लाल की माँ गुलाबती वहाँ दौड़ती हुई आई। क्या बात जी, क्यों गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला रहे थे? अरे भगवान, क्यों हर समय मुंह में अंगारे भरी रहती है? अरे भगवान, क्यों हर समय मुंह में अंगारे भरे रहती है? देख, तेरा लड़का इस बार पास हो गया। क्या सच? आखिर हनुमान बाबा ने मेरी सुनी ली। आए तो क्या, तुमने भी हनुमान बाबा से कोई मनौती मांगी हुई थी? हाँ जी, मैंने हनुमान बाबा से यह मनौती मांगी थी कि यदि मेरा लाल इस बार पास हो गया तो मैं अड़ोस पड़ोस में पूरे 100 मन लड्डू बंटवाऊंगी। क्या कहा, पूरे 100 मन मारे गए? क्यों जी, क्या भाई, अचानक आपका मुंह क्यों लटक गया? अरे भगवान, मुंह नील लटक गया तो और क्या होगा? 100 मन लड्डू लड्डू के साथ साथ मुझे भी 1,000 दंड पेलने पड़ेंगे और 100 रुपये का हनुमान बाबा को भोग भी लगाना पड़ेगा। बस इतनी सी बात पर आपके सिर पर पार टूट पड़ा? अपने लाडले के लिए इतना भी नहीं कर सकते? जल्दी जाकर हनुमान बाबा के सामने दंड लगाइए, तब तक मैं आस पड़ोस में लड्डू बांट कराती हूँ। हाय, लगता आज कमर का कचूमर निकल कर ही रहेगा। अरे भगवान भगवान, लेकिन अपना अनोखे कहाँ है? उसे मैंने बाजार सब्जी लाने भेजा है जी, बस आता ही होगा। लेकिन उसके आने तक हमें अपनी कसमें पूरी कर डालनी है। उसके बाद पत्नी लड्डू का प्रबंध करने चली गई और हवलदार धमाका सिंह हनुमान बाबा की मूर्ति के सामने जा खड़ा हुआ। आह प्रभु, तुम भी मेरी तरह छोटी मोटी रिश्वत पर संतोष कर लेते? भला इस कड़की में 100 मन लड्डू जितनी बड़ी रिश्वत लेने की क्या जरूरत थी? यह पैसे तो मैं 100 महीने की रिश्वत में भी नहीं जुटा पाऊंगा। रिश्वत हो रहे वो, खैर प्रभु प्रभु, अब जब तुझे वचन दे ही दिया है तो निभाऊंगा भी जरूर। चल बेटे धमाका सिंह, सो जा। शीघ्र ही दंड पेलते पेलते बोलता धमाका सिंह पसीने पसीने उठा। 201। कुछ देर बाद यह अनोखे लाल और कुरुकबोंड सब्जी लेकर घर लौटा। 540। आए कहीं पूजे टैडी का दिमाग मॉर्निंग वॉक करने तो नहीं चला गया, जो ऑफिस जाने की बजाय अभी भी दंड पेल रहे हैं। डैडी तू आ गया बेटे? 590। मैं तो आ गया डैडी, पर आप ड्यूटी पर जाने के बजाय अभी तक दंड क्यों पेल रहे हैं? क्या आज फिर मम्मी से झगड़ा हुआ है?
अरे नहीं बेटे, यह दिन तो मैं तुम्हारे पास होने की खुशी में पेल रहा हूँ। तुम्हारी मम्मी तुम्हारे पास होने की खुशी में आस पड़ोस में स्वामन लड्डू बांटने गई है। 611 सुनकर अनोखे लाल चौंका आए। क्या कहा, मैं पास हो गया? 647 अगले ही पल वह पागलों की तरह हंसने लगा। ही हो, आए क्या हुआ ऐसे? यह तुझे क्या हो गया बेटे? ही मैं पास हो गया। तभी गुलाबती यानी अनोखे की माँ भी आस पड़ोस में लड्डू बांट कर वापिस लौटी। आह तुम आगे मम्मी, जरा तुम भी सुनो, डैडी की बात कहते हैं मैं पास हो गया। ही तुम्हारे डैडी ठीक ही कह रहे हैं बेटा, तुम वास्तव में पास हो गए हो। लो मुंह मीठा करो। तुम भी मम्मी कमाल की बात करती हो, जिसकी मैंने नकल मारी थी, जब वह भी फेल हो गया तो फिर भला मैं कैसे पास हो सकता हूँ? क्या? तभी, अरे भाई धमाका सिंह जी, क्या हो रहा है? अरे मास्टर जी, आइए आइए। वे अनोखे लाल के स्कूल मास्टर थे। भाई धमाका सिंह जी, इस बच्चे का रिजल्ट गलती से डाकिया आपको दे गया है, कृपया वह लौटा दीजिए और यह लीजिए अपने बेटे का रिजल्ट। मुझे दुख है कि आपका बेटा इस बार फिर फेल हो गया है। क्या? मास्टर साहब के जाने के बाद धमाका सिंह जी का पारा अपने सपुत्र का रिजल्ट देखकर पांचवी बार हाई उठा। कमबख्त, तेरे कारण दंड बैठक लगाते लगाते मेरी कमर आधी रह गई, और तू? आज मैं तुझे तो जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अरे बाप रे बेटा, कुरकमांड लगता है आज तेरी खटिया खड़ी होकर ही रहेगी। भला चाहता है तो भाग ले, भागो। भाग कर कहाँ जाएगा बच्चों? धमाका सिंह की पकड़ से आज तक कोई बच कर नहीं निकल सका। अपनी अडीब पसली सही सलामत रखने के लिए कुरकमांड ने अपने अजायब घर में ही शरण लेना उचित समझा। हम अपने अजायब घर में छिपकर मुझे धोखा देना चाहता है? कमबख्त, कहाँ छिप सकता है वो? यह अलमारी में से कपड़ा कैसे बाहर निकल रहा है? हम समझ गया, वह नामुराद इसी में छिपा हुआ है। बेटे अब बचकर कहाँ जाएगा? अभी तुझ मजा चखाता हूँ तुझे। अब वह भी एक वहीं पड़ा एक डंडा उठाकर वह सावधान से अलमारी के निकट पहुंचा, लेकिन जैसे धमाके से अलमारी के पट बाहर की ओर खींचा, झूम, हाय मर गया। वास्तव में अलमारी में एक स्प्रिंग से जुड़ा मुक्का फिट था, जो कपाटों के खुलने के साथ ही तीव्र गति से धमाका सिंह के चेहरे से टकरा था। मारे गए अलमारी में फिर स्वचालित गुस्सा मेरे डैडी के थोपड़े पर पड़ा। कुरक बोंडा के दूसरी अलमारी के आड़ में छुपा खड़ा था। आपको कोई चोट तो नहीं लगी डैडी? देखिए, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं था। न आप ये अलमारी खोलते, न ऐसा होता। पापी लुचे लफंगे, बाप के साथ शैतानी करता, ठहर तुझे भी सबक सिखाता हूँ। अगले पल पुनः डंडा उठाकर अनोखे पर पिल पड़ा। कम्बक, तेरे मूर्खता ने मेरी नाक में दम कर रखा है, आज मैं तेरी अकल ठिकाने लगा कर ही रहूंगा। हाय मार डाला, मम्मी बचाओ, आई मेर लाल। अजी अब बस भी कीजिए, क्या आप अभी से जान से मार डालने का इरादा है? तो अट जा गुलाबो, आज मैं तुझे बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला। लगता पुलिस नौकरी करते करते आपके अगल पर पत्थर पड़ गए हैं। भला इसने कोई जानबूझकर थोड़े ही ऐसा किया है? हाँ मम्मी, मैंने तो इसलिए अलमारी में जासूसी घुसा फिर फिट किया था कि यदि कभी कोई चोर डाकू यहाँ आए और इसमें कीमती सामान भरा समझकर इसे खोलने की कोशिश करे तो उसकी नाक की पकौड़ी बन जाए। अब मुझे क्या मालूम था कि डैडी इस अलमारी को खोल बैठेंगे। चुप हो जा मेरे लाल, सुन लिया ना आपने, कितना अक्लमंद है मेरा बेटा, और आप हैं कि इसे हमेशा मूर्ख ही समझते हैं। उफ, तुम्हारी लाड़ पहने से मूर्ख की खोपड़ी खराब कर रखी है। सुन गुलाबो, अब मैं इसकी मूर्खता और बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसे कह दे कि अब ये अपनी मनुष्य सूरत कभी मेरे सामने ना लाए। इसके बाद धमाका सिंह क्रोध से पैर पटकता वहां से लौट गया। भूत जासूस की दुम बनता है, काम का नकाज का दुश्मन अनाज का। मम्मी तू चिंता मत कर मेरे लाल, तेरी छुट्टियां पड़ गई है, अतः ऐसा कर कुछ दिनों के लिए नूरपुर अपने मामा के यहाँ चला जा। जब तेरे डैडी का गुस्सा ठंडा हो जाएगा तो मैं तुझे लिख दूंगी, तब तू चला आइयो। वाह मम्मी, यह तुमने ठीक कहा, वहाँ मोटू भैया के साथ खूब गुजरेगी। ठीक है, मैं कल ही तुम्हारे लिए रेल का टिकट मंगा दूंगी। मैं रेल से नहीं समुद्री जहाज से जाऊंगा मम्मी, क्योंकि समुद्री यात्रा मैंने कभी नहीं की और मैं आज ही रवाना होना चाहता हूँ। डैडी मेरी सूरत देखकर फिर बिन्ना उठेंगे। कहता तो तू ठीक है बेटे, जा सफर की तैयारी कर, मैं तेरे सफर के लिए खाना तैयार करती हूँ। यू आर ग्रेट मम्मी, मैं अभी अपनी तैयारी पूरी करता हूँ। अरे अरे अब हट भी पगले। फिर पलक झपकते ही सफर की तैयारियाँ पूरी हो गई। ले ये कुछ रुपया रख ले,
तेरे काम आएंगे। और हाँ, वहाँ अपना ध्यान रखना, समझे? तू चिंता मत कर, मम्मी देखना वहां से मैं कितना नाम कमा कर लौटूंगा। अच्छा विदा। कुरकबोंड एक पे टैक्सी के जरिए बंदरगाह पहुंचा और टिकट खरीदने के बाद वह नूरपुर जाने वाले जहाज पर सवार हो गया। कुछ ही देर बाद जहाज अपनी मंजिल की ओर चल पड़ा। चलो कुछ दिन तो शांतिपूर्वक गुजरेंगे। उसकी जहाज यात्रा 3 दिन की थी। 2 दिन तो आराम से मस्ती करते बीत गए, लेकिन तीसरे दिन दोपहर के समय एकाएक शोरगुल की आवाजें सुनकर कुर्कबोंड की नींद टूट गई। बचाओ बचाओ, अरे यह शोर कैसा, कहीं जहाज तो नहीं डूब रहा? कुर्कबोंड उठकर डेक की ओर भागा। डेकर पर पहुंचते उसे एक स्थान पर भीड़ दिखाई दी, इकट्ठी दिखाई दी। ओ यह भीड़ कैसी! अरे क्यों भाई साहब, क्या कोई व्हेल मछली दिखाई दे गई है? नहीं भाई, एक प्रेस रिपोर्टर समुद्र में गिर पड़ा है। कुर्कबोंड झुककर उस व्यक्ति की ओर देखने लगा। बेचारे को गंगा जल भी नसीब नहीं होगा, बचाओ, अब नहीं बचेगा। अचानक कुर्कबोंड का पाँव फिसला और यह बिगड़ गया, और पलक झपकते ही वह भी समुन्द्र में जा गिरा। मैं यहाँ हूँ, बचाओ! छपाक, दुर्भाग्य से को या सौभाग्य से, कुर्कबोंड को भी तैरना नहीं आता था, वह भी डुबकिया खाने लगा। और लगता है उस कमबख्त के साथ साथ मुझे भी गंगा जल नसीब नहीं होगा। हाथ जल्दी से मुझे थामो, हाय वरना मैं डूब जाऊंगा। श्योक से तभी एक लहर ने कुर्कबांड को उस रिपोर्टर की ओर उछाल दिया। रिपोर्टर यह सोचकर कि वह उसे ही बचाने आया, तुरंत उछक कर उसकी पीठ पर चढ़ गया। अबे अबे, यह क्या कर रहा, छोड़ मेरी गर्दन वरना मेरा दम घुट जाएगा। धन्यवाद मित्र। तेज हवा के कारण कुर्कबांड की आवाज़ उसके कानों में नहीं पड़ रही थी। वह यही समझा था कि कुर्कबांड ने उसे मजबूती के साथ गर्दन पकड़ने के लिए कहा है। गो गो, दम घुट रहा है इसका तो। कुर्कबांड को यही लगा जैसे वह व्यक्ति अपने साथ साथ उसे भी लेकर मरेगा। उसने अपनी गर्दन को उसके हाथों से छुड़ाने की काफी कोशिश की, लेकिन वह सफल नहीं हो पाया। चूंकि उस रिपोर्टर ने उसकी गर्दन को पूरी तरह बिचर कर रखा था, इसलिए उसके मुंह से अब आवाज भी नहीं निकल पा रही थी। हाँ, यह तो मुझे चमगादड़ की तरह चिपट गया। उधर जहाज पर, अरे उस बहादुर युवक ने उसे पकड़ लिया है, अब जल्दी से रस्सी फेंको। नाविकों ने तुरंत रस्सियाँ उनकी ओर उछालनी आरंभ कर दी। लेकिन तभी, अरे वह देखो, अरे बाप रे, सार का उनकी खैर नहीं, बेचारा वह बहादुर भी गया काम से। डेक पर खड़े लोगों का शोर सुनकर जैसे कुर्कमोंड ने दृष्टि घुमाई, एक विशालकाय एवं भयानक सार को मुंह फाड़े अपनी ओर बढ़ते देखकर उसके देवता कूच कर गए। हाय बेटा कुरुकबोंड, लगता है ईश्वर ने तुझे इसी का आहार बनाने के लिए इस दुनिया में भेजा है। एक लहर ने, परंतु कुरुकबोंड के सितारे शायद बुलंदी पर थे, क्योंकि तभी एक लहर ने रिपोर्टर समेत उसे उछालकर ठीक सार की पीठ पर पटक दिया। यही सीन इसके टाइटल पर था, कॉमिक्स की। ठीक तभी एक रस्सी का सिरा उसके ऊपर आकर गिरा और उसने मजबूती के साथ उसे पकड़ लिया। अब जल्दी से ऊपर खींचो कमबख्तो। तुरंत कई लोगों ने मिलकर उन्हें ऊपर खींचना आरंभ कर दिया। जोर लगा के हईसा, अपने शिकार को हाथ से निकलते देख सार्क जोर जोर से उछलने लगी, परंतु कुरकबांड और उस पर लदे रिपोर्टर को पकड़ पाने में सफल नहीं हो सकी। जय हनुमान बाबा की, ठीक वक्त पर रस्सी हाथ में आ गई, वरना आज गया था इस कमबख्त सार्क के पेट में चिलम भरने। कुछ देर बाद वे दोनों सही सलामत डेक पर थे। वाह बहादुर नौजवान, तुमने तो कमाल ही कर दिया, क्या हम आपका परिचय जान सकते हैं? हाँ भला, इसमें मैंने क्या कमाल किया? वो तो इस चमगादड़ रिपोर्टर ने अपनी जान बचाने के लिए मेरी गर्दन पकड़ ली थी। मेरा बस चलता था, मैं वहीं से उल्लू की गर्दन मरोड़ देता। लगता ये लोग उल्टा ही समझ बैठे हैं। अच्छा है क्यों ना मैं इन पर अपनी जासूसी और बहादुर का रोब गांठ दूँ, तब जरूर मेरा नाम अखबार में आ जाएगा। यह सोचकर पहले उसने उन सबको अपना परिचय दिया। मुझे मॉडर्न जासूस कुर्कबोंड कहते हैं, विश्व प्रसिद्ध जासूस जेम्स बॉन्ड आज मेरे गुरु हैं। बहुत खूब मिस्टर कुर्कबोंड, आपने मेरी जान बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। मैं अपने अखबार में आपकी तस्वीर के साथ साथ आपकी इस महान बहादुरी का कारनामा छपाऊंगा। धन्यवाद मिस्टर रिपोर्टर, लेकिन मैं जो किया था वह मेरा कर्तव्य था। बड़ा ही मार रहा है। उसी शाम जहाज उसी किनारे पर लगा। अब जल्दी से मामा के घर की राह पकड़ू, कहीं रात हो गई तो मुसीबत हो जाएगी। बंदरगाह से मामा का घर दूर नहीं था, तथा गर्मी के इस मौसम में उसने पैदल चलना ही ठीक समझा।
सेहत के लिए पैदल चलना भी कितना हितकार है, मगर गुरुकुंवर को यह क्या मालूम था कि संयोग से एक और घटना उसका नाम आकाश में चांद की तरह चमकाने वाली है। वे लुटेरे मुझे जान से मार डालने की फिराक में है, शायद वह व्यक्ति मेरी कुछ मदद कर सके। उधर लुटेरे, सेठ को गोली मार दो, दूसरा शिकार भी जा रहा है। तुम ठीक है तो ऐसे हम उसे नहीं लूट सकेंगे। उस लुटेरे ने सेठ का निशाना साधा और फायर कर दिया धाएं, मगर उसी पल आगे जा रहे कुरकुंडा का पाव सहसा राह में पड़े किसी केले के छिलके पर पड़ गया। अगले ही पल वह फिसल कर सेठ पर जा पड़ा। उफ, यह क्या शू थम, गोली उनके सिरों से ऊपर होती हुई निकल गई। जबकि कुरकुंड सोच रहा था, यहाँ की जमीन तो बड़ी बड़ी पिलपली और मुलायम गद्दे की तरह है, गिरने पर भी चोट नहीं लगी, वह शायद यह धमाका तो गोली का था। उधर दोनों लुटेरे हैरान थे। अरे, बिना पीछे देखे उसने सेठ को की जान बचा ली, वह कोई खतरनाक जासूस लगता है, भागो। गोली चलाने वाले को देखने के लिए जब कुरकुंवर ने आसपास निगाह दौड़ाई तो उसकी दृष्टि उन दोनों भागते हुए गुंडों पर पड़ी। हम तो वे गुंडे मुझे मार कर लूटना चाहते थे, लेकिन मैं संयोग से बच गया। वह बेटे कुरकुंवर, तो वास्तव में किस्मत का देनी है। तब उसके नीचे पड़े सेठ बारपूर्ण स्वर में बोल बोल पर उठा, अब उठो भाई, उन गुंडों से मेरी जान बचाने का बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, कौन बेचारा कुरकुंवर तो सपने में भी यह नहीं सोच सकता था कि वह जिसे मुलायम घासन हुआ गद्दा समझे बैठा है, वह वास्तव में किसी लाला की पिलपिली तोंद है। अतः सेठ पर निगाह पड़ते ही वह सर से भर उठा, तुम कौन हो भाई और मेरे नीचे पड़े पड़े क्या कर रहे हो? मेरी जान बचाकर तुम मुझे को सेपू यह पूछ रहे हो, बहादुर नौजवान? वैसे मेरा नाम सेठ धर्मदास है और यहाँ का बच्चा बच्चा जानता मुझे और तुम्हारा परिचय। परंतु इससे पहले कुरुकुंवर कुछ मजा समझ पाता, बहुत से लोग उनके इर्द गिर्द एकत्रित हो गए। आप ठीक तो है ना सेठ जी? कौन थे वे गुंडे सेठ जी और आपको क्यों मारना चाहते थे? अरे भाई, वे लुटेरे मुझे मारकर इस बैग में रखी मेरी दौलत लूटना चाहते थे, किंतु इस बहादुर नौजवान ने मुझे बचा लिया। ओह वाह! फिर सेठ धर्मदास कुरुकुंवर की ओर मुड़ते हुए बोले, भाई वास्तव में तुम्हें एक बहादुर और चालाक नौजवान हो, परंतु एक बात समझ नहीं आई कि तुमने आगे चलते चलते भी पीछे का खतरा कैसे भांप लिया। अब तो कुरुकुंवर की समझ में सारा माजरा चुका था। मैं तो केले के छिलके के कारण फिसल कर गिरा था और ये लोग समझ रहे हैं कि मैंने खतरे को भांप कर इन्हें बचाया। वाह रे कुरुकुंवर, लगता भगवान स्वामी तेरी जासूसी की दाग जमाने के लिए वह छिलका फिर सड़क पर फेंक गया था, क्यों ना ईश्वर की इच्छा पूरी कर दूं। फिर वह ठीक, एक मिनट दोस्तों, एक मिनट, बस कुछ डिस्टर्बेंस हो गई। फिर वह ठीक किसी शुतुरमुर्ग की तरह गर्दन अकड़ाकर हंसता हुआ बोला, हे, मेरा नाम कुरकुंवर है और मैं जासूस जेम्स बॉन्ड का शिष्य हूँ, और यह सब मेरे लिए मामूली सी बातें हैं। जेम्स बॉन्ड की तरह मेरी भी दो नहीं बल्कि 10 आंखें, जिनसे मैं चारों ओर देख सकता हूँ। बस उन्हीं आंखों से मैंने आप पर उन लुटेरों को गोली चलाते देखा, तो उल्टी कलाबाजी खाकर आपको नीचे गिरा लिया और अब आप बच गए। वाह क्या कुरकुंवर दिमाग पाया आपने भाई, बूथ को बहुत खूब, हम तुमसे बहुत प्रसन्न हुए कुरबॉन्ड। वह तो ठीक है सेठ जी, लेकिन मेरे दुख है कि वे करके देख लेना इसको। निसंदेह तुम एक ग्रेट जासूस हो, क्या आप अपना पता ठिकाना मुझे दे सकते हो, ताकि यदि मुझे या किसी अन्य को तुम्हारी सेवाओं की आवश्यकता पड़े तो वह तुमसे कनेक्ट कॉन्टैक्ट कर सके। जासूस लोग अपना पता ठिकाना नहीं देते सेठ जी, फिर भी यदि जानना चाहते हैं तो कल का अखबार पढ़ लीजिएगा। अच्छा, अब मैं इजाज़त चाहता हूँ, विदा। अरे भाई जरा ठहरो, मुझे बचाने का इनाम तो लेते जाओ, उसी को जरूरत नहीं पड़ सेठ जी, फिलहाल मैं फ्री सर्विस में लगा हूँ। मेरा नाम आप मेरी ओर से गरीबों में बांट देना। वह कितना निस्वार्थ और कितना धाकड़ जासूस होगा। हाँ भाइयों, यह हमारे शहर में आया है, यह हमारे लिए गर्व की बात है। फिर कुरुकुंवर की नज़रों से ओझल होते ही वे सब भी अपनी अपनी राह हो लिए। फिर रात गिरने से पहले वे अपने मामा के घर पहुँचा गया। प्रणाम मामा जी, मामी जी, तेरा बेटा। अरे बेटा अनोखे तुम, आओ भीतर आओ बेटे।
मामा जी, आप मुझे अनोखे नहीं बल्कि जासूस कुरुक बोंड कहिए, परंतु आप लोग उदास क्यों? और वह मोटू भाई नहीं दिख रहा, कहाँ गया वे? क्या बताऊँ बेटा, पता नहीं भगवान की नज़र हम पर क्यों टेढ़ी हो गई। क्या मतलब क्या हुआ मोटी की माँ? तुम ही बताओ, मुझसे तो कहा नहीं जा रहा। बेटा, तुम्हारे मोटे भाई कुछ दिन हुए एक बदमाश उठा कर ले गया है। वो क्या कहा उस बदमाश की हिम्मत? कहाँ रहता वह कान खजूरा? यही मालूम होता तो होता तो अब तक पुलिस ने पकड़ न लिया होता उस कम वक्त हो। कुरक बांड की जासूसी रग भड़क उठी। हूँ, इसका मतलब है आजकल आपने खूब माल जमा कर लिया, क्यों है ना? यही बात तुम्हें कैसे पता चला? अरे मामा, यह तो एक बच्चा भी समझ सकता है कि उस बदमाश ने फिरौती के लिए ही मोटू भाई का अपहरण किया होगा। और वह बदमाश यह भी जानता होगा कि आप आजकल काफ़ी मालदार आसामी हैं, वरना क्या उसे आपके पुत्र का अपहरण कर जूते खान थे? मगर तुम चिंता मत करो मामा, मैं उस कन खुजरे की औलाद से अपने आप निपट लूँगा। आखिर यूं ही तो मैं जासूस कुरुक बॉन्ड नहीं बन गया? क्या तुम अकेले उसे टक्कर लोगे? टक्कर? अरे मामा, वह तो मेरा नाम सुनते ही मेरे पैरों पर गिर कर मुझसे अपने प्राणों की भीख मांगने लगेगा। खैर, पहले आप मेरे लिए कुछ खाने का प्रबंध कीजिए, उसके बाद बाकी बातें होंगी। वह मोटू की माँ, तुम अनोखे, मेरा मतलब अपने बेटे शेर जासूस के लिए जल्दी से खाना लगाओ। अभी लो मोटू के बापू। शीघ्र ही मम्मी ने खाना लगा दिया और कुरकबंड खाने पर इस प्रकार टूट पड़ा मानो महीनों का भूखा हो। भोजन से निवृत्त होने के बाद, हाँ बताइए, क्या उस बदमाश का कोई फोन या लेटर आदि आपके पास पहुंचा है? हाँ, एक खत तो आया है। ये तो आप खड़े खड़े मेरा मुँह क्या देख रहे हैं? जल्दी से वह खत ला कर मुझे दिखाइए। अभी लाए बेटे। सिगरी मामा ने खत ला कर कुरक बॉन्ड के हाथों में थमा दिया। कुरक बॉन्ड आतिशी शीशा निकाल कर रात को खत को गौर से पढ़ने लगा। खत में लिखा था, अगर मोटू को जिंदा देखना चाहते हो तो 20,000 रुपये काली के मंदिर की पहाड़ी पर 7 दिन के भीतर भीतर किसी भी दिन 7 बजे पहुंचा दो। यदि पुलिस को खबर करने की कोशिश की तो मोटू की लाश ही वहाँ मिलेगी। काला लुटेरा, पहले ऐसे मांगते थे फिर फिरौती। पत्र पढ़ने के पश्चात उसने उसे जेब में डाला और फिर बोला, लिखा है पुलिस को खबर मत करना, लेकिन मैं जासूस तो वहाँ जा सकता हूँ। अगले दिन सांझ ढलते ही 7:15 शेष है मामा जी, मैं चलता हूँ। जल्दी उस कन खुजरे को अपना नाम बताकर मोटू के साथ लौटाऊंगा। और वह उसी वह काली मंदिर की ओर चल पड़ा। जरा होशियारी से बेटा। ओके मामी, काली के मंदिर में पहले भी कई बार जा चुका था, तो रास्ते में उसे कोई दिक्कत पेश नहीं आई। ठीक 7 बजे वह काली के मंदिर की पहाड़ी पर था। चारों ओर तो कोई नई कम्बख्त न जाने कहाँ छुपा होगा, आगे बढ़ कर देखना चाहिए। परंतु तो अपहरणकर्ताओं की दृष्टि उस पर पड़ चुकी थी। बॉस, वह देखो कोई इधर ही आ रहा है, शायद वह यह मोटू को चुही छुड़ाने आया है। सुनो, तुम लोग छिप जाओ, जैसे वह यहाँ पहुंचे उसे घेर लो। ओके बॉस। और कुरकपॉन्ड जैसे उनके करीब पहुंचा, खबरदार जहाँ खड़े हो वहीं खड़े और वरना भून दिए जाओगे। वो तो यह तो आप लोग हैं, जरा बताइए तो मेरा मोटो भाई कहाँ है? रुपये लाए? हाँ लाया हूँ, हाँ लाया हूँ। कहाँ है? माल इस बैग में है। टुल्लू, चलो इससे बैग ले लो। ठहरो, पहले मोटो को मेरे सामने लाओ, फिर बैग मिलेगा। बदमाश के बॉस ने कोई आनाकानी नहीं की। अजीत सिंह, जाओ उस लौंडे को यहाँ ले आओ। ओके बॉस। शीघ्र ही वह बदमाश मोटू को ले आया। अनोखे भैया, डरो मत मोटू, मैं इनके लिए रकम ले आया हूँ, अभी यह तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेंगे। ठीक है, तो दोस्त बैग हमारे हवाले करो और अपने साथी को आराम के साथ ले जाओ। इसे अब तक खिला खिला कर तो हमारा भी राशन खत्म हो चुका है, तो रोते क्यों पैरे? लो यह बैग संभालो, इसमें भरे नोट तुम सबके आंसू पोंछ डालेंगे। ओ मोटू भाई घर चले? हाँ भैया जरूरत, लेकिन तभी ठहरो, पहले मुझे बैग खोल कर रुपया गिनने दो, तभी जाना। अम्मा पैरे तो जल्दी गिनो ना, क्यों हमारा समय भी नष्ट कर रहे हो। धोखा, हाय मराता तो ये खाने बास। बॉस ने बैग जैसे खोला तो ये भरे हमें, पलक झपकते ही बैग में से निकलने वाले सैकड़ों ततये बॉस और उसके साथियों से लिपट गए। वही मेरी बात बच्चा, उफ। अरे रुपयों का देख कर घबरा रहे हो? अरे बटोरा इन्हें बड़े मुश्किल से इन्हें केवल रात भर में मेहनत में लोगों के लिए इकट्ठा किया है। अब कुछ देर बाद वे सभी बदमाश अधमेरे से होकर धरती पर लुढ़क गए और ततये उठकर अदृश्य हो गए। तो कुरक बॉन्ड ने अपनी जेब से एक विचित्र सी बनावट का रिवॉल्वर निकालकर उन पर तान दिया।
खबरदार सोने की कोशिश मत करो, कौवे की औलाद हो और चुपचाप हाथ उठा खड़े जाओ, वरना एक एक को मौत की नींद सुला दूंगा। कुरकपोन की चेतावनी सुनकर काने बॉस ने अपने साथियों को कोई संकेत किया, परंतु तभी बदमाशों ने उठकर कुरकपोन के पैर पकड़ लिए। नहीं, हमें मत मारो, हम तुम्हारे पाँव पड़ते हैं, तुम जैसा कहोगे हम वैसा ही करेंगे। है, मर गए ना तुम्हारी दादी नानी, हूँ चले थे कुरकपोन से टक्कर लेने, मेरे विचार से भैया ने ले जाकर पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। लेकिन तभी एक बदमाश ने उसके एक पैर को पकड़कर एक जबरदस्त झटका दिया और हवा में लहराने के पश्चात कुरकपोन धड़ाम से धरती पर गिरा। उफ, अनोखे भैया, काने बोस ने तुरंत कुरकपोन का रिवॉल्वर उठाकर दोनों पर तान दिया। हा, पलट गई ने बात, जब तुम दोनों चूहों की मौत मरोगे। बोस ने तुरंत गोली मार दो, चूंकि रिवॉल्वर इन्हीं का है इसलिए पुलिस भी यही समझेगी कि ये दोनों आपस में ही लड़ मरे हैं। बोस ने ट्रिगर दबाया, लेकिन अगले ही पल वह समय चीख उठा, दाएं, हाय मर गया। हाँ, यह क्या हुआ? बोस अपनी छाती पकड़कर नीचे गिरा और मर गया, क्योंकि गोली रिवाल्वर के मुंह से निकलने के बजाय हत्थे से निकली और उसी के सीने में जा घुसी। हाँ, यह क्या हुआ? तभी कुरकपोन डल्ला पक्कर जमीन पर पड़ा, अपना रिवॉल्वर उठा दिया। खबरदार, कोई भी गलत हरकत करने की कोशिश न करे, वरना सभी बदमाश एकदम से सन्नाटे में आ गए। हाँ, देख ले, कुरकपोन से मुकाबला करने का नतीजा, यह रिवॉल्वर मैंने तुम जैसे गनचक्रों के लिए तैयार किया है। इसमें गोली आगे से नहीं पीछे से निकलती है, और तुम लोगों की भलाई इसी में है कि चुपचाप हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलो। लाख न चाहने के बावजूद भी बदमाशों को कुरकपोन के आदेश का पालन करने पर मजबूर होना पड़ा। वह बुरे फंसे आज इस मॉडर्न जासूस के शिकंजे में। पुलिस स्टेशन पहुंचकर कुरकपोन और मोटू ने सभी बदमाशों को पुलिस के हवाले करने के साथ साथ सारी कहानी भी कह सुनाई। धन्यवाद मिस्टर कुरकपोन, इन कुख्यात बदमाशों को पकड़कर समाज पर बड़ा एहसान किया है आपने, हम दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू, थैंक यू। सिपाहियों, ले जाओ इन शैतानों को और हवालात में डाल दो। बदमाशों को पुलिस के हवाले करने के बाद जब कुरकपोन और मोटू घर वापस लौटे तो उन्हें सही सलामत देख वह उनके मुख से सारी कहानी सुनकर मामा मामी ने कुरकपोन को गले से लगा लिया। थैंक यू, थैंक यू। अरे बेटे कुरकपोन, तुम सचमुच हमारे देश एक महान जासूस हो। बॉन्ड भैया जिंदाबाद। दूसरे दिन देश भर के समाचार पत्रों में कुरकपोन की बहादुरी की कई खबरें एक साथ छपी। अजी सुन तो यह देखो, अनोखे की तस्वीर छपी अखबार में। उस कमबख्त की तस्वीर भला अखबार में क्यों छपने लगी? जरूर उस गधे ने कोई अपराध किया होगा। खबरदार, जो से गधा का, उसने तो बहादुरी के वो काम किए हैं जो आपने भी कभी नहीं किए होंगे। जरा मैं भी तो देखूं कि कौन सा ऐसा तीर मारा तेरे उस जासूस की दुम ने। जरूर देखे जी, आपने तो आज तक चूहा भी नहीं मारा, जबकि मेरे बेटे ने 10-10 खतरनाक गुंडों को एक साथ पानी पिला दिया है। धमाका सिंह ने समाचार पत्र पढ़ा तो उछल पड़ा। अरे, यह तो वास्तव में अनोखे ने कमाल कर दिया। अगले ही पल धमाका सिंह का चेहरा उदास उठा। हे भगवान, यह मैंने क्या किया? इतने योग्य पुत्र को घर से निकाल दिया, जैसे निकाला था वैसे जाकर उसे ले भी आइए, ना रो रो कर मैं अपनी जान दे दूंगी। हाँ, अरे ऐसा गजब मत कर बैठना, मैं आज ही वहां जाकर उसे ले आता हूँ। ओह, आप कितने अच्छे हैं जी। जिस समय धमाका सिंह नूरपुर पहुंचा तो रात गिर आई थी। ओह, रात काफी हो चुकी है, मुझे तेज गति तो कदमों के साथ चलना चाहिए, अन्यथा आधी रात के बाद ही घर पहुंचूंगा। तेज चलने के बाद भी जब वह अपने साले के घर पहुंचा तो पूरा घर अंधेरे और सन्नाटे में डूबा हुआ था। आखिर मुझे यहाँ पहुँचने में देर होगी, लगता है सब सो चुके हैं। अब किसी की नींद खराब करना ठीक नहीं होगा, इस दीवार को फांद कर अंदर जाकर बरामदे में आराम से सो जाता हूँ। सुबह जब वे मुझे यहाँ देखेंगे तो आश्चर्य से उछल पड़ेंगे। तभी अंदर कमरे में सो रहे मोटू की आँख किसी खटके का शोर सुनकर खुल गई। यह कैसा खटका था? खट लगता कोई चोरा घुसा यहाँ, जल्दी से कुरकमोंड को जगाऊँ। दूसरे ही पल वह कुरकमोंड की चारपाई के निकट था। कुरकबोंड, अरे ओ जासूस भाई, अरे जल्दी उठो, शायद घर में चोर घुसा है। चोर? हाँ, अभी कुछ देर पहले बरामदे की ओर से खटखट की आवाज़ें आ रही थी। क्या चोर की इतनी हिम्मत कि कुरकबोंड के रहते इस घर में चोरी करने यहाँ घुसा? अभी इसकी खबर लेता हूँ, तुम जरा मेरे साथ आओ।
दोनों ने आहिस्ता से दरवाज़ा खोलकर जीरे से बाहर बरामदे की ओर देखा। हूँ प्यारा चोर, तो मेरा शक सही निकला। जरा अपने दादा का वह लठ, वह तेल पिलाया हुआ लठ और एक कंबल तोला अभी लाया भैया। मोटू सिगरेट दोनों चीजें ले आया, यह लो लठ और कंबल। बस लठ मुझे दो और कंबल अपने पास रखो। फिर हाथ में लठ संभाल कर कुरकपोन के साथ आहिस्ता से कमरे से बाहर निकला। तुम पीछे से जाकर उस पर यह कंबल डाल देना, फिर देखना मेरा कमाल। ठीक है, समझ गया। उधर बरामदे में पहुंचकर धमाका सिंह ने निश्चिंतता की सांस ली। अब आराम से यहाँ सो जाता हूँ। ठीक उसी समय दोनों उसके करीब आ पहुंचे। वह रहा पीछे से जाकर उस पर कंबल डाल दो, अभी लो भैया। और अगले ही पल आ गया पकड़े में, भैया जल्दी से बरसाओ लठ। यह लो जासूस के घर में घुसकर चोरी करने का प्रसाद। हाय मर गया। शोरगुल सुनकर मामा मामी या कुछ पड़ोसी भी वहां पहुंचे। यह शोर कैसा क्या हुआ? चोर, मारो साले को, कमबख्त, एक चोर है माँ। और फिर सभी इस पर पिस पड़े, मारो साला चोरी करता, हाय मर गया। अरे मुझे छोड़ो बेचार। धमाके सिंह कुरकबंड और पड़ोसियों ने मार मार के उसका कचूमर निकाल दिया। ले चलो इसे पुलिस के पास। हाँ ले चलो, अब इसकी बाकी खबर पुलिस ही लेगी। अरे यह कंबल हटाओ, मैं कोई चोर नहीं हूँ। हाय हाँ, ये आवाज़ तो कुछ जानी पहचान सी लगती है, कहीं डैडी तो नहीं? अरे बाप रे। और कुरकबंड चीख पड़ा, अरे भाई ठहरो ठहरो, इसे नीचे रखो और कंबल हटाओ। और लोगों ने गठरी नीचे रखे, जैसे कंबल हटाया, अरे हाय डैडी आप आए जीजाजी। सिर सुझा दिया, जीजाजी आप, और इतनी रात गई आखिर? इस तरह चोरी छिपियाने क्या जूता पड़ी थी? अरे साले अपनी इसी मूर्खता की तो सजा पाई है मैंने। इसके बाद धमाके सिंह ने उन्हें अपनी एक्स माता आने का कारण क्या सुनाया। सॉरी डैडी, मुझे माफ़ कर दिए, मुझे क्या मालूम था कि चोर की जगह चोरी छिपे आप घुसे हैं। पर्यटन नालायक पाजी बड़ा कुरकबड़ बना फिरता है। मैं तुझे क्या चोर दिखाई दिया था? हाय मेरी कमर, मुझे माफ़ कर दीजिए डैडी, तेरी खबर तो मैं घर चल कर लूंगा। जासूस की तुम पहले तुझे उठाकर भीतर चारपाई पर बिठा। धमाका सिंह ने नाक बहुत सिकोड़ते हुए कहा तो सभी ठाका मार कर हंस पड़े। अगले दिन, अच्छा मामा मामी जी अब चलता हूँ घर चलकर। अब जासूसी कुछ ने पैतरों पर विचार करूंगा, कहीं ऐसा ना हो कि किसी की मेरी जासूसी के अगले शिकार फिर मेरी डैडी ही बन जाए। क्या कहा जासूसी, भाड़ में गई ऐसी जासूसी? अब तो तुझे चाहे तुम्हें हौलदारी को ना बनाना पड़े, लेकिन जासूसी नहीं करने दूंगा। हाँ, घर चल। तो ये इसकी पहली कॉमिक से कुरकबांड की, इसकी सेकंड कॉमिक से कुरकबांड और सभी दीवाने जूतों के। तो इसको भी पढ़ेंगे आगे कभी, फिलहाल इसको फिनिश करता हूँ। बीच में कुछ डिस्टरबेंस हो गई थी, इसलिए थोड़ा बीच में शायद 30-40 सेकंड का स्टॉप है, तो वहाँ पे फॉरवर्ड कर लेना डबल टेप करके। ओके।